इतने जल्दी? जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन के दृष्टि से जो अभियान चलने वाले हैं उसकी एक कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में सभी कमिश्नरी सा बैठकें संपन्न हो रही है, उसी के निमित्त आ जाना हुआ। एक एक विभाग के क्या कार्य योजना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कोई वंशवाद परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया परमानेंट चलता रहता है कि हमारा एक संगठन की कार्य पद्धति है, उस संगठन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए आज उसकी बैठक थी, सदस्यता हो रहा है, मतदाता बढ़ाने का काम है, लाभार्थी से संपर्क है, सामाजिक टोली का संपर्क है और बूथ पर बैठकें, मन की बात 28 तारीख को है, उसकी कार्य योजना, ये सभी कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई है और आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। आने वाला चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हम राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर लड़ेंगे। इसी योजना के साथ आएगा। देखिए ओबीसी थोड़ा यहाँ पर आकर माहौल न खराब करें, अपना काम करें, अच्छी बात है, लेकिन माहौल खराब न करें, यहाँ हैदराबाद में न बनावें, क्योंकि इस समय 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओबीसी जी को दंगा याद आने लगा है, लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इस राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कैसे कोई बनाएगा? गुंडे भ्रष्टाचार आजकल जेल में है, बिल नहीं ले रहे हैं, इसलिए सभी माफिया आजकल बिल नहीं रहे, जेल के अंदर बंद है, क्योंकि योगी साधन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धन्यवाद मीडिया के। भाजपा के कमिश्नरी बैठक में श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली यूपीटी होटल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रबंध समिति कमिश्नरी बैठक का किया आयोजन। आए हुए बहराइच बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती जनपद के जिला अध्यक्ष समेत विभिन्न कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। श्रावस्ती जनपद के यूपीटी होटल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी तादाद में मंडल के सभी जिलों से पहुंचे लोगों को स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया और उनसे सवाल जवाब भी किया। इस दौरान मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया, हालांकि यहां पर तमाम समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसके बीच पहुँचकर स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कमिश्नरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और आए हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में श्रावस्ती जनपद समेत बहराइच बलरामपुर गोंडा और बहराइच के कार्यकर्ता तथा जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारी आदि मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमिश्नरी बैठक में प्रतिभाग किया और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं, इकौना इलाके के बौद्ध स्थली की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचे हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने कमिश्नरी बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगामी रणनीति बनाई।